इतने सारा को रोते हुए देखा है ड्रामों में परफॉर्म करते हुए, देखा है? तो माइक है आप लोगों के पास, किसको लगता है कि मुस्कुराहट से ज्यादा ये जब रोती हैं तब हसीन लगती हैं भाई? जब ये रो रही होती हैं या जब कोई सीरियस एक्टिंग कर रही होती है तो उस वक्त बड़ी कमाल लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं, उस कैरेक्टर में बड़ा अच्छा ढल जाती हैं। किसी को भी नहीं लगता? सब स्माइल ज्यादा क्यूट है। सारा आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपको अपनी स्माइल अच्छी लगती है, अपना संजीदा अदाकारी अच्छी लगती है, कहाँ पे आपको लगता है यहाँ मैं बहुत फिट हूँ? मुझे संजीदा अदाकारी करने में मज़ा ज़्यादा आता है। मैं कभी भी अपना, मैं कभी कॉमेडी को इस तरह का काम हूँ मैं नहीं कर पाती, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप पूछें तो मुझे रोना बहुत बुरा लगता है और रोते हुए मैं अपने आप को अगली लगती हूँ। मुझे लगता है कि मैं रोते हुए बहुत बुरी लग रही हूँ। अरे जो कि आपको गलत लगता है। हाँ। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, जितना प्यारा अल्लाह ताला ने आपको बनाया। हैव सीट प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आज हमने ए प्लस पे आजकल आप सारा का एक जबरदस्त सा ड्रामा सीरियल देख रहे हैं मेरे बेवफा, और आज मेरे बेवफा की हीरोइन सारा खान हमारे साथ है जो कि आज बड़ी जबरदस्त एक्टिविटीज हैं मुख्तलिफ किस्म की हमारे साथ करने वाली। अच्छा सारा, मतलब एक्टिंग करियर अचानक ही शुरू हो गया था इत्तफाकन, क्योंकि मैंने सुना था कि आप डबिंग कर रही थी कुछ ड्रामों की और फिर एकदम से एक्टिंग? एग्जैक्टली, मेरा एक्टिंग करियर बहुत ही अचानक से शुरू हुआ है और इसको कभी मैंने प्लान भी नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे इस फील्ड में आके काम करना है। मैं हमेशा से वॉइस ओवर्स की तरफ ज़्यादा थी कि मैं वॉइस ओवर्स करूँगी, जो बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डब करना। लेकिन जब मुझे उसी के दौरान किसी ने एक प्रोजेक्ट ऑफर किया तो मैंने सोचा कि ऐसे ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि क्या पता यू नो कि अच्छा हो। और उसके बाद मैंने वो प्रोजेक्ट जब किया उसके बाद 2 साल तक मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो काम कर ही नहीं सकती, ये इतना मुश्किल काम है, इतना पेशेंस वाला काम है। अच्छा 2 साल बाद फिर मुझे लगा कि मैं 2 साल से यही, मैं जिंदगी भर से यही तो करना चाहती थी। और जब मुझे कैसे लगा 2 साल के बाद अचानक बैठे बैठे मैं मिस करने लग गई इस चीज़ को, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि बचपन से लेके उस वक्त तक मैं हमेशा इस तरफ थी, थिएटर करना, स्कूल के हर प्ले में काम करना, ठीक है, और घर में भी हर जगह सुनो बढ़ के पार्टिसिपेट करना इस तरह की चीज़ों में। तो फिर मैंने सोचा कि एक्टिंग ही हमेशा से करनी थी तो वही करनी चाहिए। फिर मैंने अपने करियर को सीरियस शुरू किया 2 साल बाद और फिर अभी तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। और ये पैशन कब तक जारी रहेगा? इसका कोई टाइम लिमिट है कि बस तय है कि जिंदगी भर यही काम करना है? नहीं नहीं, जिंदगी भर तो एक काम मैं नहीं कर सकती। फरा मुझे बनना है प्रोड्यूसर। अच्छा, मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं आगे जाके प्रोड्यूसर बनूं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स खुद प्रोड्यूस करूं, और सिर्फ अपने नहीं मैं और अच्छे लोगों के लिए भी काम करूं। बट एक्टिंग मुझे लगता है कि इतने अरसे तक मैं शायद ना करूं। वजह? नो, मैं मेरा जिंदगी को मैंने ऐसे ही प्लान किया हुआ है कि मैं फिर प्रोड्यूसर बन जाऊंगी, फिर मैं अपना अपनी एक्टिंग को प्रोड्यूसर कब बन जाऊंगी? जब अब से कोई 10 साल बाद, 15 साल बाद? नहीं, 3 साल बाद। 3 साल बाद? 3 या 2 साल बाद। लोग प्लान करते हैं, अच्छा अब मेरा ड्रामा हिट हो गया, अब मैं बहुत अच्छा जा रही हूँ, अब मैं फिल्म करूंगी, उसके बाद मैं दूसरी फिल्म करूंगी, फिर मैं मुल्क से बाहर जाके फिल्म करूंगी। तो आपके ऐसे कोई प्लान्स नहीं है? नहीं नहीं, मुझे जो भी काम करना है एक तो यहीं के लिए करना है, और दूसरी बात मैंने सिर्फ ड्रामों की ही हद तक काम करना है। अगर फिल्म मैं करूँगी तो प्रोड्यूस कर सकती हूँ, okay. मैं उसमें खुद काम नहीं कर सकती। ये किसी की इजाज़त का घर, अब्बा की इजाज़त? नहीं का नहीं, नहीं, मेरे अब्बा जो मेरे बाबा हैं वो तो वो कहते हैं कि मुझे दुनिया का जो काम करना है ना, जो काम हो मैं कर सकती हूँ। अच्छा। उन्होंने कुछ चीज़ें सिखा दी हैं कि ये तुम्हारी लिमिट्स हैं और तुम्हें इनके अंदर रह के जो करना है करो, अब मुझे मैं ना, अब मेरी मर्ज़ी कि मैं, और मेरे बाबा जो हैं अगर मैं कुछ गलत काम भी कर रही हूँ ना तो वो मुझे कुछ कहेंगे नहीं, बिकॉज उन्होंने काम शुरू करने से पहले सही और गलत बता दिया था। अब अगर गलत की तरफ मैं जा रही हूँ तो वो मुझे वार्न कर देंगे बट वो रोकेंगे नहीं। अच्छा। बिकॉज हर उन्हें मुझे उन्हें लगता है कि रोकने से हम और उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने कुछ एक चॉइस ऑफ ड्रेसेस यहाँ पे लगाया है आपके लिए। तो मैं आपको लेके चलूँगी आपके वार्डरोब की तरफ, एंड आई वुड लाइक के अगर आपने जैसे ही एक दिन में किसी फॉर्मल इवेंट पे जाना है, किसी डेली वेयर के इवेंट पे, तो क्या इनमें से पहनेंगी? थोड़े से फॉर्मल पे जाना है तो क्या पहनेंगी? ये दोनों चॉइसेस आपकी इन सारे ड्रेसेस में से कौन सी होंगी? फॉर्मल किस किस्म का? शादी मंगनी शादी टाइप का कोई इवेंट है, पहले फॉर्मल का बता दें, उसमें क्या पहन के जाएंगी? अच्छा, मैं पहनूंगी ये। सो सारा को अगर किसी शादी में जाना हो तो सारा उसके लिए, या मैं ये भी पहन सकती हूँ, ये भी पहन सकती हूँ। हाँ,
ये भी पहन सकती हूँ बिकॉज मुझे इस तरह के कपड़े भी पसंद हैं, मगर मैं इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, मुझे ज़्यादा इस तरह के कलर्स पसंद आते हैं. हाँ, लेकिन ब्राइट कलर्स भी मुझे फिर यू नो कभी, जैसे मैंने अभी रेड पहना है, मरून पहना है, लेकिन ये भी मुझे, मैं भी ये भी पहन सकती हूँ. लेकिन अब आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, क्योंकि एक इवेंट आपने जाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, कौन सा ड्रेस और क्या पहनना पसंद करोगी? ये तो अगर सारा ने इन सारे ड्रेसेस में से फॉर्मल में जाने के लिए पसंद करना है तो ये बात. तो अच्छा, अब बाकी कोई एक कैजुअल इवेंट है, से कोई इवनिंग कोई है, कहीं चाय कॉफी पे छोटे से गेट टुगेदर है फैमिली का, तो उस पे जाने के लिए आप क्या पहनना पसंद करोगे? उस पे जाने के लिए मैं ये ये तो वजह क्या है इसको पसंद करने की? वैसे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये हटा दूंगी, हटा दूंगी. और ये मुझे पसंद था लेकिन इसके इसकी वजह से मैं ये इसको मैंने रिजेक्ट किया. जो इसमें सुराख है. अच्छा, हाँ. आपको नजर आ गया था कि इसमें सुराख है. हाँ जी. अच्छा, तो आप जब ड्रेस लेने जाती हो तो फिर आप देखती हो कि इसमें सुराख तो नहीं है या इसमें से कहीं नजर तो नहीं आ रहा? मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे अपने कपड़े खरीद, स्पेशली अगर मुझे कुछ वेस्टर्न ख़रीदना है तो मुझे बड़े मसले होते हैं कि उनकी लेंथ के लेंथ का क्या है और वो बहुत ज़्यादा मुझे मेरे बॉडी फिटेड ना हो कमीज़. लेकिन मैं शलवार कमीज़ जब लेती हूँ तो मैं, और मैं काफ़ी ढीले कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मुझे ढीले कपड़े पहनना अच्छे लगते हैं. वो आप ढीला सा कुर्ता कैजुअल सा और आप उसमें कंफर्टेबल भी रहते हैं. तो ये सुराख वाला से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मुझे ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं है. पसंद नहीं है, बिल्कुल सही. अच्छा, सारा के अंदर आइए, ये आप ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं तो हाउ कम कि आप उस कंपटीशन में नहीं पड़ी कि मैं भी बहुत ग्लैमरस हूँ और मैं भी बड़ी स्टाइलिश हूँ और मेरे पास भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो वो क्यों नहीं किया आपने? मतलब ये सारी, मैंने ये सब किया. हम अक्सर घर से सुनते हैं ना कि थोड़ी सी बूढ़ी रूह के, मतलब डल कलर सोबर कलर है ना. मैंने ये सब किया. हाँ, सब कुछ, डिजाइनर्स भी हैं, ये भी है, ग्लैमर की तरफ भी किया, लेकिन मैंने उसको ईस्टर्न की तरफ रख के किया. अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि आपको अगर खूबसूरती दिखानी है, ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही बन के दिखा सकते हैं. आप सादा रह के भी और आप अपने, हमारा जो कल्चर है उस हिसाब से रह के भी आप अपने काम को यू नो आगे बढ़ा सकते हैं. तो मुझे हमारे डिज़ाइनर्स काफ़ी पसंद हैं, कितने अच्छे वो अमेजिंग कपड़े बनाते हैं. तो हम अगर उन्हीं को लेके यू नो, मैं तो कपड़े हर वक्त लेती रहती हूँ डिज़ाइनर से. मुझे इस तरह के कपड़े पहनना, और मुझे मुझे बस ईस्टर्न ज़्यादा पसंद है. ईस्टर्न ज़्यादा पसंद है, वेरी गुड. सारा, वैसे तो यू आर ब्लेस्ड विद ब्यूटी, उसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है ना कि हम जो जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें, नोबडी विल बी एबल टू लुक लाइक यू. लेकिन इसके बावजूद हमारा ये तरीका है, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी तमाम सेलिब्रिटी से और आपसे भी कि हमारी जो खवातीन घर में देख रही हैं, अगर वो चाहें कि वो सारा के जैसी हसीन और ग्लैमरस लगें और वो जो आपका एक लेस मेकअप की एक खूबसूरत ग्लैमरस लुक है वो भी हासिल करना चाहें, तो क्या आप अपनी मेकअप टिप्स और अपने मेकअप किट हमारे साथ शेयर करोगे? हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर. वेरी गुड. सो आप ऑडियंस में से कोई एक बंदी चूज कर लो जिसको आप सारा खान की जैसी लुक देने पसंद करेंगी. अभी कोई एक इनमें से कौन चाहेगा, वैसे कौन चाह रहा है कि वो सारा का पर्सनल जो मेकअप है उससे किसका दिल चाह रहा है भाई? हाँ, किस किस का दिल चाह रहा है? अच्छा, ये वाला हाथ चाहते हैं. मैं लड़कों से भी पूछूं उनके ये ऐसे हाथ उठाने हैं. और सारी लड़कियां जिन्होंने ऐसे, ये लड़कों को तो मेकअप नहीं हो सकता. हो सकता है वैसे. लेकिन सो कौन वुड? आप आ जाइए, आप आ जाइए. तो सारा, इनको अगर मैं कहूँ कि इनको आपने सारा खान जैसा मेकअप करना, अरे जल्दी से, ये खुद ही इतनी प्यारी है. और लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लूंगी. ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सारा शेयर करने वाली है अपनी पर्सनल ब्यूटी टिप्स और सारा करेंगी मेकअप. आपका क्या नाम है? राबिया का. सो स्टे विद अस. मेकअप कॉन्शियस हो कि अगर मेकअप नहीं है तो किसी के सामने नहीं जाना, शक्ल नहीं दिखानी. नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ मैं मेकअप ही ना करूँ, ऐसी कोई दुनिया में घूमूँ. अच्छा, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ बगैर मेकअप के, और मैं अपने आप को बगैर मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हूँ. वेरी गुड. बट मेकअप का शौक बहुत है इसलिए मेकअप भी करना है. अच्छा, मेरे बेवफा में कई सीन्स आपने बगैर मेकअप के किए. मैंने मेकअप बेस को हाथ भी लगाया मेरे बेवफा के. सिर्फ शुरू के एपिसोड्स हैं 4-5 जिनमें मैंने मेकअप किया, उसके बाद मैंने मेकअप किया ही नहीं है. आप बिल्कुल ही उसमें चली गई हो. बिल्कुल भी नहीं. अक्सर होता था, मुझे सकीना समूह हमारी डायरेक्टर हैं, वो कहती थी कि तुम मुंह धोकर आ जाओ, तो मैं मुंह धोकर आती थी कि बिल्कुल ही एकदम शक्ल बिल्कुल वैसी लगे कि कुछ भी नहीं है.
अच्छा तो कभी उस बारे में कॉन्शियस नहीं कि थोड़ा सा कुछ कवर कर लिया, कुछ थोड़ा सा वो कर लिया कि लगे ना कि मेकअप है लेकिन कुछ कर लिया? नहीं, मैं कॉन्शियस इस चीज़ को लेके कभी कॉन्शियस नहीं हुई कि मैं मेकअप के बगैर घर से निकलूँगी तो कोई तस्वीर ना ले ले या मैं यू नो अजीब ना लग रही हूँ. मैं खुश रहती हूँ बगैर मेकअप के. अच्छा, वेरी गुड. एंड हु इज़ योर स्टाइल आइकॉन? किसका आपको बहुत पसंद है स्टाइल? हमारे हमारे उसमें हमारे या तुम्हारे या उनके किसी भी उसमें? सुने फरा, हर किसी का कुछ ना कुछ मुझे पसंद आता है. अच्छा, जैसे मैं किसी एक को नहीं कह सकती कि मुझे ये ही पसंद है हर तरीके से. मुझे हर किसी में कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो मुझे उनकी पसंद आ जाएगी और मैं वो. और मैं कभी इस चीज़ में वो नहीं करती कि अगर मुझे इनकी कोई चीज़ पसंद है तो मैं इनको कॉपी करने में वो मैं बोलूँ कि ये मेरा ही स्टाइल है और मैं बता दूंगी कि मैंने उनका देखा था, मुझे पसंद आया तो मैंने उनको कॉपी कर लिया. ठीक है, सो सारा ने लगा ली एक जबरदस्त सी बेस. मैंने इनकी बेस कर ली है. इनकी बेस एक्चुअली मेरी बेस इनके स्किन टोन से जा नहीं रही बिकॉज इनका कलर थोड़ा मुझसे ज्यादा फेयर टोन पर है. ये आपसे ज्यादा फेयर टोन है. अगर किसी की शादी है लाइक असल में शादी है तो वो बेस लगा ले, वो आप कुछ भी कर रहे हैं वो उतरेगी नहीं. अच्छा, लेकिन वो पानी से मुंह धोएंगे तो वो साफ उतर जाएगी. उसके लिए क्लेंजिंग की इतनी खास. स्किन टाइप क्या है आपकी? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर उनकी स्किन टाइप आपकी वाली नहीं है तो हो सकता है उन्हें ना बेस्ट सूट करे. ऑयली ऑयली है, बहुत दाने हो जाते हैं मेरे मेकअप लगाने की वजह से. और मेरी मेरा मगर मैं काफ़ी अपने ऊपर चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ. मैं अपनी शक्ल पे सोने से पहले नाइट क्रीम ज़रूर लगाऊंगी और मैं और भी चीज़ें करती हूँ तो मैं उसको कंट्रोल रखती हूँ. और इसीलिए मैं अपनी ये बेस बहुत ड्राई है, मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ. जो भी आपने ब्लैक वाली यूज़ की है? हाँ, ये भी और ये लॉरियल की ये वाली भी, दोनों बहुत ड्राई उस पर. ठीक है. अच्छा, कॉन्ट्रोलिंग मेरे मेकअप का सबसे ज़रूरी पार्ट है क्योंकि मेरा जैसे मेरा और इनका हम दोनों का फेस थोड़ा राउंड उसमें है. हाँ? तो मैं कॉन्ट्रोलिंग करके कट्स निकालने की वजह से मैं कॉन्ट्रोलिंग ज़रूर करती हूँ. और मेरी जो है नाक भी थोड़ी बड़ी है तो हाँ. अच्छा, जो आपके कहने का तरीका है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़े का है. और मेरी मतलब मैं इसको कॉपी किया ही नहीं जा सकता जितने मजे से आप उसको बता रही हो. अच्छा, तो कॉन्टोर का आपका? कॉन्टोर पहले मैं इनके ये गालों पे करके. अच्छा, लोग कॉन्टोर से एक लाइन खींच देते हैं, मैं अपना पूरा गाल कॉन्टोर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत अलग से नजर आने लग जाता है कि आपने बहुत कॉन्टोरिंग की हुई अपने आप को पतला यू नो करने के लिए. और कॉन्टोरिंग का भी मैं ये डार्क वाला शेड यूज करती हूँ, क्रिस्टीन का, जो बिल्कुल ब्लैकिश सा वाला है. बिल्कुल ब्लैक वाला. अच्छा, ये और कॉन्टोरिंग का इसी का जो लाइट ब्राउन शेड होता है वो मैं अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो अभी मेरे पास है नहीं. वो मैं अपने यहाँ लगाती हूँ और अपने आईलिड पे. बिल्कुल सही. तो अभी जैसे मेकअप किया हुआ तो उसमें आईलिड पे कुछ और लगाया हुआ? अभी मैंने ये आपके मेकअप आर्टिस्ट से वो लाइट ब्राउन शेड लिया था और मैंने अपनी आंखों के ऊपर वो शेड लगाया. लाइट ब्राउन शेड लगाया, ठीक है. इस तरह से कॉन्टोर कर लिया. अच्छा, उसके बाद अपने आईब्रो के लिए ये मेरे पास है गोल्डन रोज का, ठीक है. ये लाइट ब्राउन शेड है जिससे मैं अपनी आईब्रो वो करने के लिए, बिकॉज मेरी आईब्रो पहले ही बहुत काली हैं और बहुत घनी हैं तो मैं ये लाइट ब्राउन शेड लगाती हूँ ताकि उसका काला जो है वो थोड़ा लाइट उस पर चला जाए. ठीक है. तो जिन लोगों की डार्क है आईब्रोज, ये भी अब एक टिप हो गई आपकी तरफ से कि जिन लोगों की डार्क एंड थिक आईब्रोज हैं और उसको थोड़ा सा वो जरा ह्यू देना चाहते हैं ब्राउनिश. लेकिन जैसे इनकी भी डार्क है लेकिन उन्हें बहुत पतली बनाई हुई है. मैं हमेशा अपनी आईब्रो थोड़ी मोटी इसमें रखती हूँ, अभी मेरी पतली हुई हुई है वरना मैं इससे भी मोटी रखती हूँ. अच्छा, तो इसीलिए मैं लाइट शेड लगाती हूँ. अगर आप लोग चाहें आपकी पतली है तो आप उस पर काला शेड भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन बिल्कुल काला शेड हमेशा वो फिर बहुत फेक आपका लुक दे देता है. बिल्कुल ठीक. ये लिक्विड आई शेडो है लेकिन ये यहाँ नहीं मिलेगा. अच्छा, मतलब पाकिस्तान में. और ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि ये इतना अच्छा लुक देगा. अभी आप देखिएगा तो इसको पूरी आँख के ऊपर फैला के लगाना है? नहीं, इसको बस जैसे मैं ये लगाया मैंने थोड़ा सा, अब मैं इसको अपनी फिंगर टिप से मर्ज कर लूँगी. ये कर लूँगी, हाँ. ओके, लेकिन आपने खुद तो नहीं लगाया हुआ? मैं लगाती हूँ, मतलब अभी नहीं लगाया हुआ. हाँ? लेकिन जैसे मुझे कोई अच्छा सा एक सॉफ्ट सा लुक देना है अपने आप को, एक यू नो कि अच्छा भी लगना है कि मेकअप किया हुआ है. और ठीक है, तो ये मैंने एक ग्लिटरी सा एक ग्लोई ग्लिटरी सा इससे बहुत है. अच्छा सा एक आप अपनी आँख खोलेंगी? ठीक है, आप बंद कीजिए. ठीक है, बस
ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, तो ये आँख के ऊपर ये मेकअप हो गया। हाँ, और लिप कलर जो है, अच्छा मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, मैं हमेशा लिप पेंसिल से अपना पूरा वो करती हूँ। लिप पेंसिल है, लेकिन ये मैं, ये बिल्कुल न्यूड कलर है, ये मैं आँखों के अंदर लगाती हूँ, इससे आपकी आँखें बड़ी लगती हैं, एनहांस लगती हैं। मैं कभी भी काजल नहीं लगाती क्योंकि काजल से मुझे मेरी आँखें छोटी लगती हैं, मुझे लगता है मुझ पर सूट नहीं करता। ठीक है, तो मैं ये, और ये बहुत एक नेचुरल वो लुक देने के लिए मैं आँख के अंदर जो है, आँख के अंदर ये व्हाइट कलर लगाती हूँ जैसे काजल लगाते हैं। ओके, ठीक है। पैसा ज्यादा जरूरी होगा या एक समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, एक माकूल रीजनेबल किसी शोबे में, किसी डिपार्टमेंट में चलेगा? फरा देखें, पैसा जो है ना, वो हम जितना भी कह लें कि हमें पैसे नहीं प्यार चाहिए, वो तो ऐसा होगा नहीं। पैसे होंगे तो सब कुछ हो जाएगा, यू नो। आप, आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। वेरी ट्रू, कभी भी नहीं कर सकते। बहुत अमीर ना हो, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि जो रिस्पॉन्सिबल, जो घर की जिम्मेदारी, जो बाकी चीज़ों को आराम से एक अच्छी जिंदगी जो दे सकता हो। दो तीन मरले का भी होता है, एक मरले का भी होता है, पांच का भी होता है, दस का भी होता है, बारह का भी होता है। लेकिन ये बात भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि समझदार होना चाहिए। अगर समझदार आदमी होगा ना, तो वो चीज़ों को अपनी समझदारी से हैंडल कर लेगा, चीज़ें बेहतर कर लेगा। अगर वो समझदार नहीं होगा, उसके पास सिर्फ पैसे होंगे, तो एक वक्त आएगा जब पैसे नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक समझदार इंसान हो जो हर सिचुएशन को एक अच्छी तरह से हैंडल कर सके। अच्छा, ये हुदा ब्यूटी का रेड लिप पेंसिल है। ये मैंने सिर्फ इसके जो इनके लिप कलर लगाया उसके ऊपर मैंने हल्का सा लगा दिया ताकि टोन डार्क करने के लिए। बिल्कुल सही, और उनके लिप का शेड बिल्कुल वही आ रहा है जो इस वक्त आपने खुद लगाया हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन आपका थोड़ा सा मरूनिश है, उसका थोड़ा पिंकिश है। अच्छा, और बाल जो है मैं, अच्छा इनके बाल मैं बनाऊंगी अपने जैसे जैसे अभी बनाए हुए। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं, जो मेरे मेरे असल बाल जो रूटीन में रहते हैं, स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट, मेरे बाल हैं ही ऐसे। अच्छा, मैं अपने बाल बनाती नहीं क्योंकि ब्लो ड्राई नहीं करती उनको, क्या कुछ भी नहीं करती बाल, मेरे बाल नेचुरली हैं ही सीधे। ओके, और मेरी बहनों के बाल है बिल्कुल कर्ली। अच्छा, नूर के आपने देखे ना, आयशा के भी बिल्कुल ऐसे बाल है। तो मैं अपने बाल कभी ना, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। हाँ, ठीक प्यार है ना, मैं कभी बहुत खूबसूरत है उनका कलर बड़ा प्यार है। और मैं देख रही थी आयशा के भी बाल ब्लैक हैं, आयशा के भी बाल ब्लैक हैं। आयशा ने और आयशा ने अभी बाल अपने ब्लो ड्राई कराए हुए, इसलिए उसका वो वाला टेक्सचर भी नहीं आपको पता चल रहा होगा। और आयशा के बाल थोड़े ब्राउन, उसमें मेरे बिल्कुल काले हैं। ठीक है, बिल्कुल काले। आपके बालों के हमेशा बड़े लस्टर और उनके एक एक फुल ऑफ लाइफ होने की रीजन ये भी है कि फिर आप ब्लो ड्रायर्स नहीं कराती हो, आपने उनका सत्यानाश नहीं मारा हुआ, बहुत सारे उन पे शैम्पूज और सीरम। और मैं शैम्पू भी, मैं बेबी शैम्पू यूज करती हूँ। वेरी गुड, इसको बताइए आपकी तारीफ की है दिल खोल के, जब आपको अंदाजा हुआ कि यार ये शायद झूठ बोल रहा है, रहा है पे मैंने जोर दिया। हाँ, करते हैं लोग तारीफ। आपको किसी की तारीफ पे सच्चा यकीन आया कि सही तारीफ कर रहा है मेरी? मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको कभी वो नहीं करती कि ये सच कह रहा है, मैं तो हूँ ही सबसे अच्छी, ये वाला नहीं आता। मुझे लगता है कि उन्हें मैं अच्छी लगती हूँ, यू नो, ये वो वाला। चलो हम कंटिन्यू करेंगे। कैसे लग रही है भाई आपको सारा के मेकअप में अपनी दोस्त? सारा ने अपना जो मेकअप किया है उसके साथ, आप भी जरा दांतों वाली स्माइल दे दो, सारा की तो बहुत खूबसूरत स्माइल है, विच इज नोन। अच्छा जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सारा, बहुत अच्छा आपने बहुत ओपनली हमारे साथ सारी टिप्स शेयर की हैं, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, विल कंटिन्यू, और ए प्लस की हमारी ड्रामा सीरियल मेरे बेवफा की खूबसूरत सी हीरोइन आज हमारी मेहमान है, और हम इनके साथ कुछ और भी बहुत मजे का करने जा रहे हैं आज। यू विल गेट टू नो द ट्रू सारा, द रियल सारा, और उसके लिए रहिएगा हमारे साथ ब्रेक के बाद। ए आलू ला, टींडे ला, गोभी ला, कद्दू ला, भिंडी ला, तोरी ला, गाजर ला, आलू ला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पैसे पूरे थे, भिंडी छोटी। सारा इनसे शॉपिंग करनी है तो क्या ये आइए, क्या क्या लेंगी आप? जरूर शॉपिंग करनी है। ये कद्दू देखिए, आपकी तरफ देख रहा है। कद्दू मैं खाती नहीं। कद्दू आप खाती नहीं? मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है आलू। आलू, मैं सुबह अड्डे में गया हूँ, मंडी में गया हूँ, मैंने उसे कहा यार एक बोरी उधार दे दो,
उसने मुझे ये आलू डाला। बहरहाल आलू भी है हमारे पास बहुत। कितने? मैं ये भी बता दूं, ये आलू बहुत अच्छे वाले हैं, बिकॉज जो रेड वाले आलू होते हैं ना वो कभी भी मीठे नहीं होते। और जो आवाज जो रेड वाले आलू होते हैं ना वो समझदार होते हैं। आज का शो इज अ कांस्टेंट सरप्राइज फॉर मी जी। अच्छा। और मुझे घर में समझदार कहते हैं। अच्छा, हमें इतना भी समझदार नहीं चाहिए। देखिए अगर मैं इतना समझ चुका हूँ तो आप यकीन कर लें इस पे। अच्छा बिल्कुल सही। कितने आलू चाहिए सारा? कितने आलू? जरा मेरी हेल्प करें, ये मैंने नया रखा है। आधा किलो आलू। अच्छा, आधा किलो आप देख लें। अच्छे भी हैं। अच्छा, सारा को ये पहचान है, दूर से देख के सारा ने पहचान लिया कि आलू अच्छे वाले हैं यार। वेरी गुड, इस पे तालियां होनी चाहिए। बड़ी बात है जी, खातीन वैसे भी बड़ी समझदार होती हैं। आलू तो क्या, ये मिर्चें भी सही कर लेंगी। यही चाहिए मुझे, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च चाहिए क्योंकि मैं बनाऊंगी नाश्ते के लिए आलू, शिमला मिर्च और पराठा। आलू, शिमला मिर्च और पराठा। आप में तो सारी खुद डालेंगी। अच्छा, उन्हें चूज करने जी 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 जी। कोई भी खराब नहीं, हम अच्छा सौदा लेके आते हैं। बिल्कुल सही। सारा जो है वो खुद अपनी मर्जी से डालेंगी शिमला मिर्च यहाँ में से के कौन से। जाती हूँ ना सब्जी और चीजें लेने आयशा और मैं ग्रोसरी करने के लिए, तो हम एक चीज अपने हाथ से देख देख के लेते हैं। देख के लेते हैं। आप तो काफी अमीर मुझे लग रही हैं, वरना नहीं तो खातिन आगे यही कहती हैं शिमला मिर्च कितने की, मैं 50 रुपए की। पिछला रेडी बोलो तो 25 की दे रहे। आपने मुझसे पैसे की बात नहीं की। मैंने रेट लगाया हुआ मेंशन है ऊपर। अच्छा, मुझसे ये कभी नहीं होता। अच्छा, के इतने की क्यों है? लेकिन सारा आपके पास टोटल बजट जो है वो सुबह नाश्ते के लिए वो सिर्फ 200 रुपया हो गए ना। ये 50 रुपए आपके पास का है। रखे इधर शिमला मिर्च। क्यों 200 रुपया लेके और शिमला मिर्च लेने आई है? कितने की है ये? ले ले। तो बाद में आपको थोड़ी सी दे दूंगा, 200 की भी आ जाती है। टमाटर कितने चाहिए? नहीं, टमाटर नहीं चाहिए। इसमें टमाटर नहीं डालेंगी? नहीं। आप देखो सही, ये इस टमाटर को देखें बेचारा, कब से इस इंतजार में है कि मुझे ले जाए। बहुत अच्छे लेकिन मुझे चाहिए नहीं चाहिए। तेरी किस्मत बेटा, वरना मैंने तो कोशिश की थी। मैं गाजर और एप्पल का जूस हर रोज पीती हूँ। गाजर, एप्पल और कभी कभी कोई और फ्रूट अगर मैंने ऐड करना हो तो मैं कुछ डाल के। अगर आपको इतनी ग्लोइंग स्किन चाहिए, सारा कितनी मिलती जुलती है। मतलब एक्चुअली मैं भी एप्पल और गाजर मिक्स करके ना मैं तो थोड़ी सी मौसमी भी डाल लेता हूँ। अच्छा, मैंने कभी नहीं डाली। चले इस दफा मौसमी भी डाल के देखेंगे। हम इतने भी नहीं मिलते जुलते नहीं मिलते। अच्छा सारा, अगर कोई आपको छेड़ रहा जैसे तो फिर क्या करती? मैं छेड़ तो नहीं रहा उनको, मैं ये छेड़े हैं कि नहीं छेड़े हैं? छेड़ रहे हैं। छेड़ रहे हैं तो अनु मौका नहीं ना मिले। छेड़ रहे हैं, अगर कोई छेड़ रहा हो तो फिर क्या चलेगा? सारा बताओ यहाँ पे एक मिनट। मैं ना मेरा लोगों के साथ डील करने का तरीका बड़ा, मैं बड़े काम रहती हूँ। हाँ, वो तो अंदाजा। मैं कभी भी अगर मुझे कोई छेड़ रहा है तो मेरा वो वाला रिएक्शन नहीं आएगा कि मैं भी लाउड हो जाऊं आगे से, या मैं बदतमीजी करने लग जाऊं। मैं बिल्कुल, या मुझे छेड़ेंगे मैं चली जाऊंगी। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता? ही नहीं है। मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं आया। आया है, मतलब आया है वो बहुत कोई एक्सट्रीम वाला, कुछ बहुत ही ज्यादा किसी ने कोई बदतमीजी कर दी तो गुस्सा, और वो जिंदगी में कोई एक या दो बार हुआ है। और बहुत बदतमीजी आप किसे कहती हैं? मतलब कितनी बदतमीजी हो जाएगी तो बहुत। जैसे मैंने आप पिछले शो पे भी बताया था कि मैंने एक थे जिनको थप्पड़ मार दिया था। एक थे जिनको थप्पड़ मार दिया। वो थे, मैं हूँ। किस बात पे मारा था? वो बहुत, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ मूवी पे चली जाऊँ। ठीक है, और मैं काम पे थी और सबका प्लान बन रहा है मूवी पे जाने का, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाती, मैं सीधा घर जाती हूँ। मतलब जो मैं काम का खत्म, उसके बाद मैं किसी को नहीं, मेरा ताल्लुक रहता। हाँ, तो मैं अपना फोन भी मैं ऑफ ही रखती हूँ, घर जाके सिर्फ घर वाले होते हैं। तो वो चाह रहे थे कि हम फिल्म देखने जाएं,
मैंने हमीज से मना किया. हम अच्छा ओके. मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना. एक बार, दो बार, तीन बार, फिर तो जब वो मुझे लगा कि अब ये यू नो ज़्यादा हो रहा है तो मैंने उन्हें थप्पड़ मारा. और थप्पड़ मार जब मैं थप्पड़ मारा मैं वो अकेले थे, मैं बाहर गई, मैं बाहर जाके चीखी, सब जब जमा हो गए मैंने उन्हें बाहर एक और थप्पड़ मारा ताकि सब देख लें. और ये इसलिए दो दफा थप्पड़ मारा, यानी बाय वन गेट वन फ्री. और दूसरा थप्पड़ इसलिए मारा कि लोग देख लें और जो जो जिन लोगों ने क्या बाकी सारे भी देख लें ताकि सब समझ जाए कि ये होगा. निशाने इबरत रहे कि अगली दफा सारा को सारा बजा दी मूवी मार देती, कोई नहीं देखता तो कोई थप्पड़ का फायदा नहीं होता. मुझे ये बताएं कि मूवी पे ना जाने की क्या वजह थी, मूवी डरावनी थी क्या? नहीं, हर बंदे के साथ बंदा मुंह उठा के मूवी देखने चला जाए. ये भी बात ठीक है वैसे. और अब कैसे कोई फोर्स कर सकता है किसी औरत को कि वो उसके साथ जरूरी है मूवी देखने जाए? ऐसे ही कह सकता है कि आप मेरे साथ मूवी देखना चली? नहीं, कोई नहीं कह सकता. क्या मूवी देखने चलेंगी? सारा इधर दोबारा से हमें थप्पड़ लगाए. किचन की तरफ चले. थैंक यू सो मच. भाई को पैसे तो दे दे. हाँ. पैसे तो दे दे. नहीं, 500 के तो नहीं. बातें सुना के फिर पैसे नहीं दे रही. कितने पैसे बने आपके? पहले आप सारे तो बताएं. सारे कैसे बन गए? मैं बताती हूँ. मेरी इतनी महंगी सब्जी थी. सारा एक इंतहाई किफायतशार, सलीका मंद और हुनरमंद खातून है. 50 रुपए के आधा किलो आलू ले लिए. अच्छा. और ये शिमला मिर्च के लिए. अच्छा, ये 100 रुपए शिमला मिर्च के लिए बस. और कुछ नहीं आपने लिया? छोटी शिमला मिर्च चाहिए. चले, ये टमाटर मेरी तरफ से. अच्छा, सारा जैसे पैसे दिए ना वो बड़ा कमाल है. मैं हैरान हो गया हूं. आलू के लिए और ये 100 रुपया शिमला मिर्च के लिए बस. मैनरिज्म. अच्छा, सारा का मैनरिज्म सब्जी लेते हुए भी वही है. हाँ. पर भी वही. थैंक यू सो मच. मैं तो डर रहा था कि थप्पड़ आ ही ना जाए. हम जिस बारे में बात कर रहे थे सारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि लोग अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और उन्हें लगता है कि टीवी पे काम करती है ना खातून तो वी कैन जस्ट हैव लिबर्टी. इनका क्या है, हम इन्हें चाहेंगे तो हम इन्हें इधर घुमाने ले जाएंगे, इन्हें कहेंगे हमारे साथ आप डिनर कर लें तो डिनर कर लेंगे, है ना? हमारे लोगों की ये सोच है कि अगर हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम हैं इतने खुले दिमाग के. हाँ. इतने वैसे, मगर ऐसा है नहीं. अगर हम किसी अस्पताल की बात करें जहाँ नर्सेज हैं, हम काफ़ी बातें ऐसी उनकी भी सुनते हैं कि वहाँ भी कुछ है. यू नो, आप 9 to 5 जॉब भी करते हैं, वहाँ भी अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं. तो अगर यही फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी हम अगर एक गलत स्टेप उठाते हैं तो वो पूरी दुनिया को पता है. और आप लोग अगर 9 to 5 जॉब करते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो वो दुनिया को नहीं पता. सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर होता है. Exactly. जो कुछ भी करते हैं वो कैमरे पे आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है. सिर्फ हम में और उनमें इतना फर्क है. बाकी बुरे और अच्छे लोग तो हर जगह हैं. अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा सारा, यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है. सो आई वुड लाइक कि आप ब्रेक लें और व्यूअर को ये बताएं कि मेरे बेवफा की हीरोइन अब से कुछ देर में आलू शिमला मिर्च और पराठा बनाने वाली है. तो मेरे बेवफा की हीरोइन यानी अजरा कुछ देर में फराह के लिए नाश्ता बनाने वाली है, पराठा और जीरे वाले आलू. जीरे वाले आलू. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. हमारे वापस. लग रहा है यार, अजरा इज गोइंग सुपर्ब. लोगों को हमेशा से आप बहुत पसंद है, लेकिन इस ड्रामे में तो बहुत ही पसंद कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पसंद लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अजरा के बहुत शेड्स हैं. हमेशा लोगों ने मुझे एक ही तरह देखा है, एक ही तरह रोते हुए. और उसमें तो अजरा को गुस्सा भी आया है. अजरा और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अजरा इस तरह की भी होगी. तो इस वजह से भी शायद लोगों को बहुत मजा आ रहा है. मुझे खुद इतना मजा आया उसको प्ले करने में. लेकिन मुझे हैरत हुई कि आम जिंदगी में आपके अंदर कभी कोई अजरा नहीं जागी जिसको गुस्सा आ गया हो किसी जगह पे, उसे चीख के कहा हो, कहना पड़ा हो बस करो. कभी भी नहीं. नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग में जागती है अजरा. अल्लाह करे कि ऐसा ही हो. अच्छा, आप क्या बना रही हैं? जीरे वाले आलू. अच्छा, पहले मैं बनाऊंगी आलू, उसके बाद जब आलू तैयार हो जाएंगे फिर मैं पराठा बनाऊंगी. ओके. सबसे पहले तो मैं डालूंगी तेल. ठीक. मैं बिल्कुल थोड़े से ही बना रही हूँ तो मैं ये तेल गरम किया. ठीक है. और सबसे आपके हाथ की बनी हुई, आपने कढ़ाई का तो जिक्र किया, क्या कढ़ाई सबसे फेमस है घर में? मेरे हाथ की वाइट कढ़ाई सबसे ज़्यादा मेरे घर वालों को, शूट्स पे जब मैं काम कर रही हूँ तो सबको वो पसंद है. और चावलों में मैं कुछ नहीं बना पाती. अच्छा, क्यों? चावल ख़राब हो जाते हैं? कभी कभी कोशिश नहीं की. बनाए नहीं? बनाए नहीं कभी. अच्छा, कभी भी नहीं खाने में.
पसंद बहुत है मुझे, बिरयानी मेरी फेवरेट है। अच्छा। बिरयानी खाने का मुझे बहुत शौक है लेकिन कभी बिरयानी खुद बनाई नहीं। ठीक है, लेकिन मैं मुझे लगता है बनाऊंगी तो फिर एक दफ़ा गलत बनेगी फिर मैं सीख जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही है, जब आप पैशन से कोई भी काम करते हैं तो सीख ही जाते हैं। हाँ, जीरे को सूंघ रही हैं आप? अब क्यों? मैं जीरा नहीं, मुझे लगा ये मुझे सॉफ्ट लग रही थी। अच्छा। आप दूसरा तो नहीं डालती, काला जीरा तो नहीं डालती? नहीं, यही वाला, ये सफेद जीरा। ठीक है, ओके जीरा। अच्छा, मुझे जीरा बहुत पसंद है, जीरे की जो खुशबू होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो जीरा मेरे खाने में ज़्यादा ही होता है, लेकिन नॉर्मली लोग जैसे मेरे घर वाले भी वो जीरा एक कम उसमें ही पसंद करते हैं, मैं मेरे खाने में बड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, मगर मैं भी कोशिश करके जीरा, और आपने आलू डाल दिए? रखूँगी, अब मैंने आलू डाल दिए जीरे में। ठीक है, और ये आपकी अपनी रेसिपी है या आपने कहीं से ली है? ये मेरी और आयशा की रेसिपी है। अच्छा। हम नाश्ते में अक्सर कभी कुछ जैसे कजन्स आए हुए हैं और यू नो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। तो हम आलू इस तरह से, ये बिल्कुल सादे से आलू हैं, 5-10 मिनट में तैयार हो जाते हैं ये। हाँ। बना के नाश्ते में पराठे के साथ खा लिए। आपको पता है कि मुझे भी आलू बहुत पसंद है। Really? और आपको पता है कि मैं भी बहुत ज्यादा बनाती हूँ जब और कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या ना, और आलू तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मजे के लगते हैं। हाँ। और मुझे नहीं पता आप ये कैसे बनाती हैं, आप तो चूंकि शिमला मिर्च डाल रही हैं, लेकिन एक आलू सिंपल हल्के से शोरबे वाले भी बनते हैं लाइट भी। जी बिल्कुल, वो मैं वो कभी मैंने बनाए नहीं, वो मेरी बहन बनाती है और वो भी मुझे बहुत, आलू मुझे हर किसी भी फॉर्म में, आप मुझे आलू के कुछ भी बना के खिला देंगी ना मुझे पसंद है, लेकिन जैसे फल होता है ना मैं फ्रूट को सिर्फ वैसे ही खा सकती हूँ, उसके फ्रूट फ्लेवर चीज़ें मैं कभी भी नहीं खा सकती। अच्छा, मुझे पसंद ही नहीं है। जैसे मतलब आप फ्रूट प्योर खाती हैं? हाँ प्योर। अच्छा। उसमें कुछ मुझे कोई, इसका मतलब है कि आप ये जितने ड्रिंक्स हैं वेट कैसे इतना मैनेज करती हैं सारा? चलो मैं आपसे अलग पूछती हूँ। okay. सारा की ब्यूटी टिप्स, सारा की अपनी हर्बल टिप्स, सारा की वजन को कैसे मैनेज करती हैं वो सब हम आगे करेंगे डिस्कस। लेकिन इस वक्त हम जरा खुराक के हवाले से। ठीक है, तो अब सारा ने तय किया हुआ है कि मैंने शादी के बाद खाना वाना अपने घर में खुद बनाया। खाना भी, घर का हर काम भी सब मैं अपना खुद ही करना चाहती हूँ। आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपके कोई 6-7 मेड्स हो, एक फिलिपिनो हो जो बच्चों को भी देखे? बच्चों को तो मेरे कोई हाथ भी नहीं लगा है। अच्छा। देखें, बच्चों को, बच्चे वही बनते हैं जो माँ, क्योंकि अगर वो 24 घंटे किसी मेड के साथ रहेंगे तो वो उनकी आदतें भी यू नो कुछ उनमें आएंगी, तो अगर वो अपनी माँ के पास ही रह रहे हैं तो मैं तो अपने बच्चों को वही बनाऊंगी जो मैं बनाना चाहती हूँ, जैसा इंसान, मतलब जैसा इंसान, और बाकी वो जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो करेंगे। और काम मेरे घर में मेड जरूर होंगी, लेकिन जैसे अभी भी मेड्स हैं लेकिन मैं उनके साथ खुद काम करवाती हूँ। अच्छा, मतलब अगर वो डस्टिंग करी है तो आप साथ बड़ा तंग होंगी वो तो आपसे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बाजी तो ठंडी कहीं मार ही नहीं सकते, इनके साथ हर वक्त साथ साथ खड़ी होती है। मुझे बस, मुझे अपने घर का हर काम खुद करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर जगह लगी रहती हूँ। हाँ। अच्छा, तो कभी आप थकी भी हो, कभी आपका नहीं मूड हो तो फिर क्या चलता है, फिर भी उठ के जबरदस्ती भी खड़ी हो जाती हो आप काम करने के लिए? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा काम करने को तो मैं नहीं करती। ऐसा नहीं कि मैं हर हाल में काम करूँगी, मैं नहीं करती, लेकिन मैं जितना भी थकी हुई हूँ मैं काम कर रही, मतलब मुझे कोई काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि घर जाके, घर के काम मुझे बहुत आसान लगते हैं और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा? घर के काम हर वक्त करना जबरदस्त है, तो बड़ी अनयूजुअल सी बातें। पराठा बनाना शुरू करें? हाँ, ताकि साथ साथ हमारा पराठा जो है वो भी बनता जाए। अच्छा, तो इस वक्त पराठा बनना जो है हमारा इन प्रोसेस हो गया है, सबसे पहले पराठे में क्या करेंगे? उनके पहन के। हाँ। ये खुला हुआ है ना? क्या पसंद? हाँ, सब खुला हुआ है, इसके नीचे चूल्हा जल रहा है। आपको वैसे क्या पसंद है, झुमके, बालियाँ, ज्वेलरी में कोई खास आपका स्टाइल स्पेशल? ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है और मैं जो मेरे इयररिंग्स होते हैं वो हमेशा मुझे बड़े इयररिंग्स पसंद हैं, कि मैं गले में मैं कुछ नहीं पहनती, कभी भी पहन लेती हूँ मगर मैं ज़्यादातर, मुझे मेरा दिल चाहता है कि बस मैं कानों में कुछ बड़ा हैवी पहनूँ। ये तो अभी मैंने, फिर भी मेरे छोटे हैं, मुझे बड़े बड़े अच्छे वाले झुमके हों वो मुझे पसंद है। और कौन से गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, कोई अगर गिफ्ट दे तो किस तरह का गिफ्ट आपको बहुत पसंद आता है? मुझे परफ्यूम दे दें। अच्छा। और मुझे फूल मत दें। अच्छा। हाँ, मुझे फूल और मुझे टेडी बेयर नहीं पसंद।
हाँ लोग समझते हैं कि मैं मुझे टेडी बेयर्स और इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी, बट मुझे नहीं पसंद, मुझे चॉकलेट दे दें, मुझे मुझे परफ्यूम दें और मुझे मेकअप दे दें और बस बाकी कपड़े मैं अपनी मर्जी के ही पहनना चाहती हूँ। अच्छा, कोई मुझे कपड़े गिफ्ट करे बहुत अच्छे हों कि जो मतलब जो मेरी मर्जी के हों तो ठीक है, वरना फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ना पहनूँ कोई गिफ्ट दे। और अगर और कुछ नहीं तो कोई पैसे ही दे दे ताकि मैं खुद ही जाके घर वालों से तो मैं कहती हूँ कि मुझे आप लोग पैसे दे दिया करें। अच्छा, मुझे कोई तोहफा दे। तैयार होती हूँ बहुत ईद पे, बहुत तो नहीं खैर, लेकिन ईद पे होता है कि झुमके टाइप चीज़ें ज़रूरी हैं, मेहंदी लगाना। तो चांद रात हमारे एक भाई हैं, हमारे पप्पू के बेटे फैसल भाई, वो चांद रात वाले दिन ख़ानदान की जितनी भी लड़कियां हैं ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ख़ानदान की सारी लड़कियों को वो मेहंदी लगवाने के लिए लेके जाते हैं और चूड़ियाँ दिलाते हैं। अच्छा, उनके पैसों से, मतलब वो हमारे सबसे बड़े भाई हैं। वाह, तो हम उनके साथ। आपने चूड़ियाँ पहनी है कभी ऐसे जाके मार्केट में? हाँ, आपको उलझन नहीं होती कभी कभी वो ज्यादा देर के लिए ही हाथ पकड़ लेते हैं? नहीं, मैं हाथ पकड़ाती ही नहीं। अच्छा, पकड़ाती तो आपने वो वाला सेट दे दो और वो लेके खुद पहन लेती हूँ खुद ही। हाँ, अच्छा, आपसे ट्राई कर लिया, खुद ही कर लिया। मैं हाथ तो मुझे 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 होता है सब मुझसे दूर रहें, थोड़ा दूर रह के बात करें। मैं इसीलिए, मैं एक वजह ये भी है मेकअप खुद करने की कि मैं मुझे कोई मेरे चेहरे पे भी हाथ लगाए तो मुझे उलझन होती है। ठीक है, मुझे हाथ ना ही लगाए तो बिल्कुल सही। अच्छा, सारा ने कभी फैंटेसाइज किया है कि सारा किस किस्म की अम्मा होगी? डांट डपट करने वाली, सख्त नज़र रखने वाली, अपनी मर्जी मनवाने वाली, या नहीं बच्चों के साथ फ्रेंडली, उनकी मानने सुनने वाली एंड लविंग? मैं जो हूँ, मैं अपनी अपनी अम्मा जैसी अम्मा होंगी। मतलब कि उन्होंने बता दिया दो तरीके हैं हर ज़िंदगी गुजारने के, दो रास्ते होते हैं, ये और ये। अब वो उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया है, मेरे बहन भाइयों पे, हम सब पे छोड़ दिया है कि जो करना है खुद करो, सोच के करना। देखें, अल्लाह हम बहुत सारी चीज़ों पे अल्लाह को ब्लेम कर देते हैं कि अल्लाह का फैसला है, यू नो, अल्लाह ताला ने जो लिखा है वही होगा। अल्लाह ताला ने दिमाग क्यों दिया है? अगर अल्लाह ताला ने दिमाग में इस दिया है तो इस्तेमाल करने के लिए दिया है ना। उन्होंने इसका एक मकसद है दिमाग होने का भी। और इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक है और सबसे ज़्यादा हमारे पास सोचने की सलाहियत है, हमारा दिमाग है। तो मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे दो चीज़ें समझा दी और उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे डांटा नहीं। मारना तो दूर की बात है, हमारे घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता। ठीक है, आज तक ऊंची आवाज़ में बात हमने की ही नहीं अपने घर वालों से आपस में। अच्छा, कि हम तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं या झगड़ा। तो बिकॉज अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप नूर और मेरा कभी हम साथ कोई शो करें तो मुझे कहते हैं कि आप दोनों की कभी लड़ाई तो हुई होगी ना। ये कौन सा वाला पराठा बन रहा है ये? अच्छा, इससे होता यह है कि इससे पराठे में लेयर्स आ जाती हैं। वाह यार, क्या बात है। इतने परफेक्ट है, अगर कैमरा दिखा सके पेड़े को जो सारा ने बना के रखा है, नीचे रखो सारा ताकि कैमरा उसे कैप्चर कर सके। वाह वाह वाह, ऐसे कमाल बल तो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के जो पराठे होते हैं उनमें भी नहीं देखे। तो आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का वाकई पराठा बनाती है, कहाँ से सीखा? मामा से। मामा ने सिखाया। साथ साथ रहती थी हमेशा आप किचन में हर वक्त? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब किचन में मुझे जाने का शौक ही नहीं था। मैं कहती थी मामा से मुझसे कपड़े धुलवा लें, पोछा करवा लें घर का, लेकिन किचन में मत बुलाएं मुझे। ठीक है, लेकिन फिर जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आयशा और मैं, हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की हमने ले दी। तो होता ये था कि अब हम किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं डालते थे, जो भी करना है उस मिलके करना है, कोई एक कोई नहीं करे। और वो भाई भी उसमें हमारा अच्छा होता था सही। कि अगर खाना बनाया तो बर्तन भाई लगाएगा। यू नो, तो पराठे मैं बनाती थी। तो मामा को कुकिंग का बड़ा शौक था और मामा बेकिंग भी बहुत अच्छी करती थी। और जो नूर है वो बहुत अच्छा केक, कुकीज, ब्रेड हम सब घर पे बनाते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वो घर पे ही बनाती है। अच्छा, ये मैं पहले दिखा देती हूँ, लेयर वाला पराठा। So, इस वक्त आप देख रहे हैं सारा खान के हाथ का लेयर वाला पराठा और उसकी एक स्पेशल रेसिपी जो बड़ी आसान लगी है मुझे और बड़ी जबरदस्त। सारा, अगर इजाजत हो तो मैं इसमें जरा एक चम्मच चला दूं। मैं काफी देर से चला रही हूं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी? नहीं, ऑल गुड सो फार। गले पे कुछ डालना? नहीं, पहले ये गल जाए उसके बाद मैं इसमें। अच्छा, एक्चुअली आलू बहुत बड़े कांटे में है। हाँ, इसका छोटे क्यूब्स में होते तो वो ज्यादा अच्छा। ये मैंने पराठे को ये कर दिया
अब मैं इसमें तेल डालूंगी थोड़ा सा. वैसे अगर आप घी डालेंगे ना तो बहुत क्रंची पराठा बनेगा, उसकी लेयर्स और ज्यादा अच्छी बनेंगी. ठीक है, तो आप घी वाला पराठा खाती हो? मैं आप मगर मैं बाबा के लिए घी वाला, मेरे जो हैं बाबा वो घी वाला, उनके लिए मैं, और उनके लिए मैं मोटा, थोड़ा मोटा वाला पराठा बनाती हूँ. अच्छा ठीक है, और अपने लिए? अपने लिए मैं पराठा बनाती नहीं. अच्छा, मैं पराठा खाती नहीं कभी कभी. अच्छा ये, अच्छा ये जितना जितना बड़ा और पतला होगा ना उतनी अच्छी लेयर्स बनेंगी, लेकिन ये अभी मुझसे हो नहीं रहा है. ये मैंने, वाह भाई वाह, सो हमने इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया. ठीक है, और उसके बाद इसको हमने लंबा किया. वाह जबरदस्त, क्या बात है. अच्छा, एक सेकंड, अब क्या इसमें डालना है कुछ? डल गया? डल गया हाँ. अब क्या डलेगा इसमें? इसमें अब मैं डालूंगी ये. अच्छा, इसको मैं बिल्कुल नहीं गलाती शिमला मिर्च को, वरना वो बहुत नरम हो जाती है. इसको मैं क्रंची क्रंची सा एक वो जो उसका वो होता है वो रखूंगी. थोड़ी सी ये डाली. ठीक है, अब एक मिनट के लिए इसका चूल्हा बंद कर देंगे, वो ढक्कन उसको कर देंगे, तो होगा ये कि उसकी जो खुशबू है वो उसके अंदर वो जाएगी. ठीक है, और पराठे को क्या करेंगे? पराठे को अब मैं ऑयल लगाऊंगी. ऑयल लगाऊंगी उसके बाद मैं इसे, ओके घी वाले पराठे बहुत मजे के होते हैं. और अब उसमें क्या पानी और डलेगा या कोई नमक चमक डलेगा? कुछ भी नहीं, नमक मैंने नहीं डाला. डाला इसलिए मैंने पूछा, वो नहीं डाला. नमक नहीं डाला. क्या मैं इसे पलट दूं पराठे को? चमचे में डाल दिया है, ला मैं पलटती हूं. ठीक है, इससे कैसे पलटती हूं पराठे को? कैसे पलटती हूं आप? उसके लिए चमचा यूज करते हैं? फ्लैट वो होता है ना. ओके, अच्छा ये रहा, इससे ये तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया. अच्छा, फिर आप किससे पलटती हूं? ऐसे ही जो फ्लैट होता है ना. अच्छा, उस मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ. बिल्कुल सही. अच्छा, नमक मुझे चमचों से अंदाजा नहीं होता, मैं हमेशा अपने हाथ से डालती हूँ. चमचे से मुझसे कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा. और हाथ से ठीक डलता है? हाथ से ठीक डलता है. अच्छा, तो अगर आपको इतने सारे कोई 15-20 लोगों का खाना बनाना हो तो भी हाथ से डलेगा? हाथ से. चमचे से डालूंगी तो मुझे पता है कि मैं 100% कोई गड़बड़ कर लूंगी. अच्छा गुड, तो ये हमारा आलू तैयार. बाबा जो है वो कम नमक खाते हैं और बाकी घर वाले तेज नमक खाते हैं. इसको बाबा का खाना अलग मैं निकालती हूँ. अच्छा, अपना खाना हम अलग बनाते हैं? अलग नहीं बनाते, मतलब एक साथ ही बनाते हैं, लेकिन जैसे नमक डालना है तो बाबा का कम डाल के अलग निकाल दिया, उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया. बिल्कुल सही. तुम्हारे पराठा तैयार है? वाह जी वाह, इसको पलट लें? नहीं, थोड़ा ब्राउन. अच्छा, ज्यादा आपको ज्यादा ब्राउन पराठा अच्छा लगता है? हाँ, मतलब जो बिल्कुल पका हुआ हो, कच्चा ना हो थोड़ा सा भी. तेल मैंने थोड़ा ज्यादा, ये जैसे यहाँ से कच्चा रह गया. बिल्कुल सही, डन. क्या शानदार पराठा बन रहा है, तालियां हो जाएंगी इससे. थैंक यू सो मच. हम मेरा ख्याल हमने यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट और थोड़ी सी एक टेबल टॉक, और उसके बाद सारा मैंने आपसे कुछ आपकी ब्यूटी एंड हर्बल टिप्स भी जानने हैं. आखिर कुछ तो सीक्रेट होगा ना इतने खूबसूरत बालों का. खुशामदी जनाब, मैं सारा के हाथ का बनाया हुआ पराठा बल वाला पराठा और उसके साथ साथ आलू शिमला मिर्च जो है, आपकी इजाजत हो तो चख लूं? इसी के आप में से कई लोग नजरें टिकाए हुए हैं इसके ऊपर, है ना, कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा है. तो मैं ऐसा करती हूँ कि सारा कुछ एक दो को आप सिलेक्ट करो, सिर्फ दो लोगों को जिनको आप चखाना चाहें ऑडियंस में से कि आपने कैसे आलू एंड शिमला मिर्च बनाया मेरे अलावा. एक तो ये जो दो हाथ हैं इनको बहुत भूख लगी है. दो हाथ आप आ जाइए. ब्लैक शर्ट, ओके, और वो ग्रीन स्कार्फ में जो है आप आ जाइए. आप ग्रीन स्कार्फ, वेरी गुड सारा, बहुत मजे का. उसकी वजह ये भी है कि मुझे क्रंची शिमला मिर्च हमेशा अच्छी लगती है. मेरी हमेशा घर में लड़ाई होती है अगर शिमला मिर्च जो है वो खत्म हो जाए और शिमला मिर्च का कलर चेंज हो जाए. मुझे वो लगता है पतनी घास फूस है. आइए 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 जी, यहाँ पर आए, यहाँ पे आ जाए, बैठे.
बैठे और चखे सारा, बैठे सारा, बैठे आप, बैठे आप, बैठे सारा जी, चखे चखे चखे, चख के भाई सही वाला कमेंट देना, माइक भी देना मुझे जल्दी से जल्दी से, तो खा के आपने सही वाला बताना है कि कैसा बनाया, इसमें नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, आप भी चखो जल्दी से, आप भी लो जल्दी से लो और टेस्ट करो, लेने जल्दी इधर आ जाए, कैसा है? लबे क्या कहा? लबे शीरी। मैंने शायरी करने को नहीं कहा, मैंने कहा ये बताओ कि कैसा बना है। बहुत अच्छा। तो बहुत, लबे शीरी कहाँ से आ गया इसमें? लबे शीरी का बड़ा टेस्ट अच्छा था इसका। बड़ा टेस्ट अच्छा था, वेरी गुड। तो इन्होंने हमें शायरी में समझाया कि लबे शीरी है। वाह क्या बात, अच्छा एक नॉलेज हो गई। बिल्कुल अच्छा, आपने भी चखा है ना? अमेजिंग। इधर को मुंह करके बताओ। बहुत अच्छा, क्या चीज सबसे अच्छी थी? पराठा अच्छा है? पराठा, पराठा ज्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। ठीक है, सब बातें अपनी जगह, सारी थ्रू आउट गुफ्तगु में एक चीज को अवॉइड करती रही, आराम मुसलसल बात करती रही। आप अभी बात कर रही थी किचन में, तो आपने, और आपने जाहिर है हमारी जिंदगी में एक हस्ती ऐसी होती है, आप मुसलसल रेफर कर रही थी अपनी अम्मा को, एंड आई वॉज जस्ट नॉट टेकिंग इट, मैंने उसको पुट अप नहीं किया, इसलिए कि मुझे पता है कि अभी आप उनसे जुदा हुई हैं, एंड इट्स वेरी पेनफुल। जिस दिन आंटी दुनिया से गई हैं उस दिन पोस्ट भी आई थी, और मैं चाह रही थी कि मैं आपको कॉल करूं, लेकिन मेरे अंदर ही कभी ये हौसला नहीं होता सारा कि मैं किसी के साथ ना किसी को ही कह सकूं कि बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स अ वेरी फॉर्मल थिंग टू से, और नहीं हो सकता जी, मुझसे भी नहीं होता, नहीं होता ना, तो मैं नहीं उसको कह सकी। आई एम सॉरी, आप ये ना फील करना कि आई डोंट फील इट, आई ट्रूली फील इट, मुझे पता है। और आप जैसे बार बार रेफर कर रही थी, तो मैं उस चीज़ को ओवरलुक कर रही थी, उसको बाईपास कर रही थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि आप हम उस पर स्टक आप हों, लेकिन इट्स अ ग्रेट लॉस। लेकिन वो इतनी तकलीफ में थी ना, बहुत तकलीफ में थी, तो एक वक्त आ गया था कि मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला अगर ठीक नहीं हो सकती तो फिर मतलब बुला ही लें। हुआ क्या था आंटी को? उनको कैंसर था। हाँ, उनको कैंसर था और उनको 5 साल से कैंसर था, लेकिन वो बेहतर हो गई थी बहुत, और डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक उनकी, मैं मेरे बेवफा के शूट करी थी और मुझे कॉल आई कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मैं शूट से ऑफ करके जल्दी मैंने शूट से ख़त्म किया काम और मैं निकल गई हॉस्पिटल। फिर उसके दो दिन तक हम हॉस्पिटल में ही रहे, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी कि हम उनके लिए, मतलब मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता उनके लिए, अगर वो ठीक नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा, अगर अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसा ही है तो उनको फिर जल्दी ही बुला लें, मतलब इतनी भी तकलीफ ना दें कि वो एक दिन भी यू नो इस चीज़ को और बर्दाश्त करें। तो मैं सेटिस्फाई हूँ बहुत, और मैं खुश भी हूँ क्योंकि वो बहुत बेहतर हैं अब, मतलब वो किसी तकलीफ में नहीं है। यहाँ हम कुछ भी कर लें उनके लिए, उनको ठीक नहीं कर सकते थे, बहुत कोशिश की, हर तरह का इलाज कराया, हर जगह कराया, लेकिन अब वो एटलीस्ट वो तकलीफ में नहीं होंगी। अरे सारा, एक और भी तो होता है ना कि माएँ कोशिश करती हैं कि जल्दी से अपने बेटियों की शादी कर दूँ, मैं अपने सामने सामने ही वो कर लूँ, तो अम्मा ने कभी उसके लिए कहा और आपने रोक दिया? पता था वक्त कम है, तो उन्होंने हमारी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो चाहती थी कि जितना वक्त है ना वो मेरे साथ गुजर जाए। सारे साथ हैं? हाँ, ठीक है, इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की। अच्छा, जब अम्मा होती है ना तो सब खानदान एक जगह पर जमा होता है, वो चली जाती है ना तो कोई एक बच्चा होता है जो, जिसको फिर माँ का रोल करना होता है। माँ का रोल मतलब है सबको इकट्ठा करना, सबको कंसोल करना, अपनी बहुत सारी बातों को सेक्रीफाइस करके बहन भाइयों को या अपने और इर्द गिर्द लोगों को देखना। आप सब में से वो कौन सा है अब जो कि कोशिश करता है टू बी मदर टू रेस्ट ऑफ द फैमिली? कुछ हद तक मैं खुद को समझती हूँ ये वाले उसमें, और आयशा मेरी बड़ी बहन, और नूर तो बहुत ही छोटी है, तो उसको तो हम बिल्कुल ही, वो तो मामा के बगैर सोती भी नहीं थी, तो उसको तो हम बिल्कुल ही उस तरह रखते हैं। तो मैं, मुझे लगता है कि मैं हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि जो जो, क्योंकि मामा अपनी डेथ से पहले भी मुझे ख़ास तौर पर वो बात, क्योंकि मैं बहुत मेच्योर हूँ बचपन से, हमेशा से मैं इस तरह की हूँ, और मैं, मुझे घर मैं बहुत घरेलू भी हूँ,
तो वो हमेशा से मुझे यही बात सिखाती थी कि जो जो मतलब जो जो मामा करती थी चाहती थी कि मैं भी उसी तरह हर चीज़ को लेके चलूँ। वो मुझे ख़ास तौर पे बोलती थी कि तुम ख्याल रखना अपने बहनों का, और भाई को उन्होंने कभी इतना वो नहीं किया कि भाई का ख्याल रखना, भाई खुद ख्याल रख लेगा, तुम बहनों को कभी अकेला मत छोड़ना, उनका हमेशा ख्याल रखना, और उन्हें पता होना चाहिए कि वो ज़िंदगी में कभी भी अकेली नहीं है, हमेशा। सारा ये बहुत जैसे कहते हैं ना मुश्किल फेज़ है कि अपने किसी बहुत प्यारे को और ऐसे रिश्ते को जिसे आप सोच भी नहीं सकते ऐसे अपने सामने जाते देखना, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली इस टर्म्स पे आना जो आपने कहा है कि एक टाइम आए कि आप खुद दुआ करें कि अल्लाह इनकी तकलीफ़ आसान कर दें, उस सारे उसमें आपके उसमें से गुजरी होगी, दैट वुड हैव बीन हॉरिबल ना, क्योंकि वो तो एक अनबियरेबल। इस सारे अरसे में आप स्क्रीन पे इतना स्माइल करती रहीं, इतनी अच्छे अच्छे से अपीयर होती रहीं, कहीं पता नहीं चला, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं किया कि अंदर कोई इतनी तकलीफ़ या इतना कोई मसला जो है वो चल रहा है। एक तो वैसा रहने की मेरी वजह ये भी है क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मामा को कभी भी ऐसा लगे कि वो बीमार हैं तो उनकी वजह से मैंने या मेरे घर वालों ने हम काम छोड़ के घर बैठ गए हैं, या उनकी वजह से हम यू नो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, ये है। तो हम हमेशा खुश रहते थे, हमेशा मामा के सामने हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम यू नो परेशान हैं या हम सैड हैं या हम, तो ताकि मामा को ये रहे कि वो ठीक है। हम उनको कहते थे आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक है, आप कोई बीमार नहीं है, आप ठीक हो जाएं बस। जो भी लोग मिलने आते थे मामा से तो हम कहते थे ठीक है, कुछ नहीं हुआ है इनको, ठीक हो जाएंगे। आपके सारे चाहने वाले, आपके फैंस, मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ कहा होगा, लफ्ज़ नहीं है इस दुख को आपके बांटने के लिए, सिर्फ दुआ है कि अल्लाह करे कि आपको उनकी कमी जो है सारा ज़िंदगी में कभी महसूस ना हो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, बट आई सिंसियरली विश कि आपको ज़िंदगी में कभी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो, कोई दुख ऐसा ना मिले आपको जहाँ पे आपको लगे कि मेरी माँ होती तो मैं उसको जाके सुना सकती, उसको जाके बता सकती। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू। सो हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बहुत प्यारी सी हीरोइन ए प्लस के ड्रामा सीरियल मेरे बेवफा की जो है अजरा और सारा खान। सारा खान जो नाम के साथ लगता है, इट्स बाय कास्ट और बाय चॉइस। सारा जफरुल्ला खान। सारा इसका मतलब है आप खान मेरा है। पूरा नाम है। हाँ खान कौन से वाले खान है? हम यूसुफ जई मेरे प्योर वाले पठान है। अच्छा प्योर वाले पठान है, लेकिन हमने कभी पश्तो नहीं बोली, हम बिकॉज हम मदीना में रहे हमेशा, मैं वहीं पैदा हुई और हम सब वहीं रहे, तो पश्तो ना मेरे बाबा को आती है ना हमारे घर में कोई आती है, लेकिन हम है खानी। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हमने भी संजीदा बातें की हैं, हंसते हंसते लोगों को अपने देखने वालों को हम छोड़ेंगे। तो मैं चाह रही थी, सारा एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी तो है ना, और बड़ा अच्छा माइम भी करती हैं, बड़ा अच्छा आप वो क्या कहते हैं लिपसिंग भी करते हैं। लिपसिंग मैं हाँ। इससे पहले कि हम कुछ और चीज़ों की तरह डब स्मैश कर लेंगे, कभी किया है जिंदगी में? नहीं। हाँ कभी किया नहीं वैसे। तो चलो एक दो लाइन्स पे डब स्मैश करके देखते हैं। कर लेती हूँ। चलें आइए यहाँ खड़े होंगे। सो पहली लाइन कौन सी है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये हाथ कम को देखा कौन? ये हाथ कम को देखा कौन? अच्छा ब्यूटीफुल। अब मैं ऐसा करती हूँ कि हमारे बहुत टैलेंटेड से आर्टिस्ट हैं चांद बराल। चांद प्लीज तशरीफ लाइए। और इसे किस्मत कहते हैं कि आज आप सारा के सामने एक्ट करेंगे। क्या बात है। पहली जो पर्ची है उसमें सिचुएशन निकलेगी, सारा आप निकालोगी, सिचुएशन का एक कैरेक्टर ये होंगे और दूसरा कैरेक्टर आप प्ले करेंगे। क्या है? मेरे दिमाग में बाहर क्या आ रहा था? काम चोरी करना। काम चोरी करना। अब ये एक ऐसी मुलाजमा है आप जो काम चोरी करती हैं, और आप वो बाजी हैं जो उसकी काम चोरी है। बाजी आ तो ले। आप वो बाजी हैं जो मुलाजमा की काम चोरी जो है वो पकड़ लेती है। हाँ, वो फफे कुटन सी माई। ठीक है। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ? काम चोरी में काम चोरी करती हूँ। डस्टर दे दो कोई। मैं डस्टिंग कर रही हूँ। हाँ डस्टिंग कर रही हूँ। ठीक है चलो डस्टिंग कर रही है। आए चले। क्यों रही मिस्त्री? हाँ कल भी तू ये सोफा ऐसे ही छोड़ के चली गई थी।
तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सारा दिन फोन पे हेलो 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 हेलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब फोन लिया है तो बात तो करूंगी ना किसी से। बात तो करूंगी ना किसी से तो काम कौन करेगा? मैं परसों साफ किया था ना सोफा। परसों साफ किया तो सोफा रोज गंदा होता है हमारे घर बहुत। आप कितनी गंदी है बाजी जब सोफा रोज गंदा हो जाता है। ये कैसी काम वाली है, ये तो मालकन में पै गई। बाजी बस कर दे, आपका सोफा साफ है। बस कर दे, मेरे गेट के बाहर लड़कों की लाइनें खड़ी रहती हैं और वो भी तेरी वजह से। रखेंगे तो लड़कों की लाइन तो लगेगी ना। तो उनमें से एक आधे को समझाओ ना कि मालकिन भी जवान है। तो डन, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? नेक्स्ट में क्या निकला है? हां जी, नेक्स्ट क्या है? बहाने बनाने वाला बच्चा, सारा बहाने बनाने वाली बच्चा है और ये एक बहुत जिसे कहते हैं ना ढीठ अम्मा है। फिर अम्मा जो बच्चे की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, बाप नहीं बनना, अम्मा बन रहा है। जी हाय, मुझे क्या पता था कि ये लड़की मैं पैदा करूंगी। अरे नानी पे जाती तो कम से कम इतने बहाने तो ना करती। दादी पे चली गई, कम वक्त मारी। पहले से बहाने तो करने दे। अम्मा पे चली गई। अम्मा अम्मा पे जाती तो टांगे पे जाती। टांगे पे सारा दिन सोई पड़ी रहती है, स्कूल तक कॉलेज तक नहीं जाती। अगर कॉलेज जाए तो इतना मेकअप करके जाती है कि पूरी यूनिवर्सिटी से, पूरी यूनिवर्सिटी की दीवारें इसके मेकअप से रंगी जा सकती है। अम्मा वो बहाने करने वाली बच्ची है, पहले से बहाने तो करने दो। क्या बहाना आज का था तेरा? है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। देखा देखा, झूठ बोलेगी तो ऐसे ही होगा तेरे साथ। और मेरे साथ एक्चुअली ही होता था। मैं रोज बहाना बनाती। बता क्या है तुझे? अम्मा वो बेटा देख, आज मैंने ज्यादा अच्छा मेकअप नहीं किया तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। आज मैंने ज्यादा अच्छा मेकअप नहीं किया तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। बल्कि अम्मा वो मेरे नोट्स में दोस्त के पास रह गए, इसे नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुन, तूने क्या ड्राइंग की क्लास लेनी है? कपड़े कपड़े नहीं मिल रहे, पहन के क्या जाऊं? कपड़े नहीं मिल रहे। मेरे वाले पहन जा। मेरा वाले पहन जा। मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैं सोने नहीं जा रही। मैंने अभी इतना इतना शरारा सिलवाया नया, पहन जा। माँ शादी नहीं है, यूनिवर्सिटी है। शादी नहीं है, यूनिवर्सिटी है। तो कल वो जो स्किन फिटिंग पहन के गई थी वो क्या था? अम्मा वो कल पहन लिया, मैं सोच रही हूँ वो चार दिन बाद पहनूंगी तो आज पहनने के लिए कुछ नहीं है, आज छुट्टी कर ले। अरे मुझे क्या मालूम था कि मैंने कैटरीना कैफ पैदा कर ली है। वेरी गुड, नेक्स्ट सिचुएशन। सारा क्या बनी हो अब? ये वो ही निकल गया। अच्छा, बहाने बनाने वाला बच्चा, बच्चा आपकी जान नहीं छोड़ रहा, क्या चक्कर है? ओह, आग लगाने वाली नंद। आग लगाने वाली नंद और ये मजलूम भाभी। सारा आग लगाने वाली नंद है इस वक्त। मजलूम भाभी, भाभी अक्सर पता ऐसे नहीं लेती, ऐसे लेती है। कैसे? अच्छा चल। हाय, एक तो इसका भाई नहीं आया, 10 साल हो गए हैं, जर्मनी गया है, वापस नहीं आया। अच्छा, और मैंने सुना है कि जर्मनी में औरतें भी बहुत ज्यादा हैं। ये आग लगाने वाली नंद है, आग लगाने वाली भाभी नहीं है। कौन? आग लगाने वाली नंद है। ये इसी की वजह से उधर है ना वो। ये उसे फोन पे कहती है भाई आज वहाँ गई थी, आज मायके जाती है, ये करती है वो करती है, बच्चों को खाना नहीं देती। मुझे तो लगता है उन्होंने वहाँ शादी कर ली होगी। किसने? आपके शौहर। ना कहो ऐसे। आप पता क्यों नहीं करती हो? कब से आपको कॉल भी नहीं किया उन्होंने? हाँ मैं भी सोच रही हूँ कब से वीडियो कॉल नहीं की उसने। पहले तो वीडियो कॉल करके मुझे कहता था अपने झुमके दिखाओ। आप जरा पता करें कि वीडियो कॉल अब किसको जाती है, क्योंकि आपको तो आती नहीं है। देखा नहीं था शादी पे वो उस औरत से कितना फ्री हो रहे थे? हाँ देखा था ना। हाँ तो क्या होगा बताना, तू तो एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है उन्हें आप पसंद नहीं रहे, वो पसंद नहीं रही। मुझ में क्या कमी है? देखो मुझ में क्या कमी है, मोहल्ले वाला आप तो देखो। मोहल्ले वाली ये लड़की है, सारा दिन हमारे सेन में झांकती रहती है। भाई भाभी मोहल्ले वाली में वो बात नहीं है। किस में? जो मुझ में है। मुझ में कौन सी बात नहीं है? भाभी आप जीत गई। अगर मैं अपनी आईज पे आ जाऊँ ना तो जर्मनी क्या अमेरिका से भी एक दिन में वापस आ जाएगा। मैं तो शराफत में रहती हूँ, मैं कहती हूँ चलो छोड़ो क्या, आप यूनिवर्सिटी गई
सारे काम गए छोड़ो। शक करने वाली बीवी, शक करने आप चौहर हैं फाइनली। ओह शक करने वाली बीवी है। क्या चाहती हो? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहा हूँ? क्या मतलब कहाँ से आ रहा हूँ? ऑफिस गया था और तो मैंने कॉल की थी, आप ऑफिस में नहीं थे। हाँ तो मैं ऑफिस में नहीं था तो वॉशरूम होगा। आपके पास से मुझे खुशबू किस चीज की आ रही है? खुशबू? एक्चुअली मैंने ना परफ्यूम नया लगाया है। ऑफिस से कितने बजे निकले थे? 6 बजे। 5:45 पे तो मैंने आपको कॉल की थी। मेरा हाल है एक्चुअली तुम्हारी गाड़ी खराब है, चेक करवाओ। ट्रैफिक में थे आप, मुझे तो गाड़ियों की आवाज आ रही थी। हाँ तो ट्रैफिक है ना कराची में, इतनी ट्रैफिक है क्या करूँ मैं। घर कितने बजे पहुँचे आप? घर कितने बजे पहुँचे आप? क्या मतलब? ऑफिस में किसके साथ थे? फाइलों के साथ। फाइलों के साथ? बहुत आज 3 पुरानी फाइलें देखनी पड़ी। कौन सी? बहुत दिनों से पेंडिंग पे थी। मैंने सोचा आज वीकेंड है तो चलो तीनों ही देख लें। इसीलिए मैं आप पे शक करती हूँ। तुम्हारी तो आदत है वैसे ही शक करने की। पता नहीं क्या ज़हन में सोचती रहती हो कि क्या कर रहा होगा। मैंने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 फाइलें चेक कर लूंगा। सारा इतनी मधुर मध्यम आवाज वाली बीवी शक करने वाली। ये क्या होता है? शोही मारने वाली लड़की। शोही मारने वाली लड़की। शोही। शोही। अच्छा अच्छा। शोही मारने वाली। ये दुपट्टा मेरे जो है ना, पता है ये मैंने वहां से लिया है। ये इयररिंग्स है मैंने वहां से लिए हैं, वो वाली लड़की। अच्छा जी। अच्छा कैसी हो? ये नहीं लड़का नहीं है ये, दो सहेलियां हैं। दो सहेली? हां दो सहेली। अच्छा सहेली तो ऐसे लेती है, बल्कि लेती नहीं दुपट्टा। चले ऐसे कर लेते हैं। कह रहे हैं सहेली, सहेली अगर असल में ना सहेली ने धोती क्यों? एक सेकंड, धोती वाली सहेली। एक सेकंड, देखें शरारा बन गया है। अच्छा क्या है? सहेली एक्चुअली कामों की है। अच्छा चले जी। हाँ ब्रीफ के की सहेली है। जी सारा। हाँ तो क्या कह रही है, कैसा है मेरा नया ड्रेस? देखो मामा की साड़ी फाड़ी है मैंने। बस ठीक। बस ठीक है, लेकिन तुमने मेरे जूते नहीं देखे। ओह महंगे वाले। अच्छा कौन से हैं? बहुत महंगे वाले जूते। महंगे वाले हैं? ब्रांडेड। ओके तुमने ये देखे? तुम्हारे अच्छे नहीं है, मेरे ज्यादा। मेरे अपने हैं। महंगे वाले नहीं है। हाँ मतलब जूते महंगे वाले। कितने का सूट लिया तुमने? 10,000 का। ओह 10,000 का सूट और 30 रुपए का शॉर्मा। मैं के साथ देखा था रही। मैंने तुम्हें लिबर्टी भाई चिकन से ज्यादा डालना। तो मुझे आपके साथ एक्टिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैंने नोने काके ने हद है। तो बताओ मुझे नहीं करनी। कैसा रहा? तुम पता? बस तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे दे दो। नहीं जब मेरा रिश्ता देखने आए थे ना तो वो लेके आए थे ये। कब? 1 महीना पहले। इसमें क्या लगा के लाए थे? जो अभी तक प्रेशर है। लीमू खाना चाहिए डेली। एक लीमू जो अगर आप लेते हैं ना तो आपके फैट्स नहीं होते। यू नो फैट्स? यस। अमेजिंग
वेरी टैलेंटेड चांद बराल. अच्छा शुक्र है सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, रुके हम चाह रहे थे कि हम हंसते हंसते अल्लाह हाफिज कहें, लेकिन साथ साथ सारा जाते जाते अपनी खूबसूरती की कुछ टिप्स शेयर करती जाओ. अच्छा व्हाट डू यू यूज? देखें सबसे ज़्यादा चेहरे के लिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो होता है आप जो भी फल खा रहे हैं उसका छिलका हम फेंक देते हैं. जैसे केले को अगर आप पिगमेंटेशन के लिए केले का छिलका बड़ा अच्छा होता है कि आप केले के छिलके को अपने आप लगाती हो शक्ल पे. आप लगाती हो? हाँ लगा लेती हूँ. टैन टैन भी उतर जाता है इससे तो उसके अंदर. अच्छा। टैन हुई हुई आप केले के छिलके को अपनी शक्ल पे यूँ रब करें और उसे उतार दें, मुँह धो लें अपना. और पीच बड़ा अच्छा होता है शक्ल के लिए, आप अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दें. आड़ू थोड़ी देर लगा के छोड़ दें. आड़ू लगा के छोड़ दें. और मैं सबसे ज़्यादा अपने चेहरे पे मलाई लगाती हूँ. दूध की मलाई जो, लेकिन वो मलाई फिर दूध भी असली वाला दूध होना चाहिए. उसकी मलाई लेके आप अपने लगा दें. एक तो वो आपके टोन को भी थोड़ा, जैसे हमारे यहाँ जैसे सब गोरा होने का बड़ा शौक होता है, तो वो आपका जो भी स्किन जो आपका असल रंग होगा वो उसको बाहर निकाल देगा, वो आपको गोरा नहीं करेगा. लेकिन हम फ्रेश हो जाएंगे उससे स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है और बहुत ग्लो आता है आपकी स्किन पे. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच सारा, वंडरफुल टू हैव यू एंड इट्स अमेजिंगली वंडरफुल टू नो यू. यू आर अ कांस्टेंट सरप्राइज और आपने हमारे साथ शो के हर सेगमेंट में बड़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. लेकिन सारा जितना खूबसूरत दिखने के लिए मेरा ख्याल है सारा जितना खूबसूरत दिल होना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि अगेन चेहरा जो है वो आपके दिल का आईना है. अगर आपका दिल साफ नहीं है, खूबसूरत नहीं है, आपका चेहरा कभी भी खूबसूरत नहीं दिख सकता, उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट ए प्लस की अज़रा और हमारी सारा खान. विश यू ऑल द बेस्ट इन मेरे बेवफा. अल्लाह के जिंदगी में आपको कभी बेवफाई ना मिले. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ शो. थैंक यू सारा. थैंक यू. हैव यू लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन. और हम लेंगे इजाजत इस दुआ के साथ, आपकी हर सुख खुशगवार हो, हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो. मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़.